नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में दीपक जलाने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए जय माता दी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर सपने में दीपक जलाने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, हमारी हिंदू धर्म में दीपक को बहुत ही शुभ माना जाता है और तो दोस्तों दीपक का उपयोग आमतौर पर भगवान की पूजा आराधना के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्वप्न में दीपक को खुद को जलाते हुए देखना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा सपना आपको यह संकेत देता है कि जल्द ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। आपके ऊपर जल्द ही माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है और तो आपके जीवन में हर प्रकार से आपकी उन्नति होने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने सपने में किसी दूसरे को दीपक जलाते हुए देखते हैं तो यह भी बेहद शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आपको हर प्रकार से जीवन में उन्नति मिलने वाली है। आपकी नौकरी में, आपके कारोबार में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप भी अपने सपने में खुद को दीपक जलाते हुए देखते हैं या फिर किसी दूसरे को दीपक जलाते हुए देखते हैं या दीपक को किसी भी स्थिति में जला हुआ देखते हैं तो यह सभी स्वप्न आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिए।